मध्य प्रदेश के सागर जिले के शाहपुर में दीवार गिरने से बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 9 बच्चों की जान चली गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा तब हुआ जब बच्चे शिवलिंग बनाने के लिए जुटे हुए थे और अचानक एक मिट्टी की दीवार उनके ऊपर गिरी। इस घटना के बाद घटनास्थल की क्या तस्वीर है वो भी देखिए। ये माहौल है इस वक्त शाहपुर का, क्योंकि पूरा शाहपुर जो है वो एक तरीके से खत्म सा हो गया है। बौखलाया भी हुआ है, परेशान है, गमगीन है, चिंतित है और आंसू जो है वो आक्रोश के रूप में भी छलक रहे हैं और असहनीय रूप में भी छलक रहे हैं। इनको नहीं समझ आ रहा है कि ये किनके पास जाएं, किनसे जवाब मांगे। और इस वक्त हम घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। अब देखिए, ये वही मलबा है जिसके नीचे बच्चों के दबने से मौत हुई थी। इस दर्दनाक हादसे में 9 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। कई लोग हैं जो घायल हुए हैं और हादसे के बाद परिजनों में शोक की लहर है। जैसे उन्होंने कहा था कि हम पैसा दे रहे हैं 4 लाख, पैसा भी नहीं हमें चाहना है। हमें जो चाहना है कि महाराज किला जो महाराज भागवत कर रहे थे उन्हों जेल, और शिव पटेल हों जेल, और जो उनको मकान है वो मकान पे हमारे 9 लड़कों के ये चिन्ह चाहना है हमारा, जे 9 लड़कों के चिन्ह बनना चाहिए होते। इस घटना का शिकार हुए परिवार के लोगों से भी विस्तार न्यूज ने बात की है। दमान को नहीं घरे बाहर रेत मजूरी कराते, इनके भरोसे छोड़ते बाल बच्चों के पढ़ाई के मारे छोड़ते, तो ये सुधोको होगा। दरअसल हरदौल मंदिर में शिवलिंग निर्माण का आयोजन चल रहा था। 4 अगस्त को छुट्टी का दिन होने के कारण 8 से 14 साल के बच्चे भी वहां शिवलिंग बनाने के लिए पहुंचे थे। शिवलिंग निर्माण के दौरान अचानक मंदिर परिसर के पास स्थित करीब 50 साल पुरानी कच्ची दीवार गिर गई, जिससे दुखद हादसा हुआ। हम लोग 7 बच्चों को निकाल पाए, थोड़ी देर बाद एक और मिला, फिर हम लोगों ने बंद कर दिया। नगर पालिका की टीम 25 मिनट बाद करीब आ गई, रेस्क्यू टीम। एक बच्चा उनको मिला, नमा बच्चा। वो हम लोग जब पहले तो हम लोग सब निकाल रहे थे, जब बाद में देखा कि इसमें अपने ही बच्चे हैं तो हम लोग उनके इलाज विलाज में खींचा करने लगे, उसमें लगे, और उसको हम लोगों ने नहीं देख पाया। उसके ऊपर लगभग 1 ट्राली मटेरियल था, तो नगर पालिका वालों ने हटाया, बाद में निकला वो। कुछ के इतना खोपड़ी का टुकड़ा वहीं पड़ा रहा, हम लोग नहीं देख पाए। किसी का ऐसा चपटा हो गया कि उसके माँ बाप नहीं पहचान पा रहे, किसी का पेट कट गया किसी का। हमारे पास कुछ फोटो हैं, आप देखोगे तो क्या हालत खराब थी बच्चों की। कुछ तो कपड़ों से पहचान पाए बच्चों को, ये हमारा बच्चा है। इस हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। जो 50 साल से थी, जर्जर अवस्था में थी, आधे घंटे पहले ही वो इमारत टूटनी शुरू हो गई थी, लेकिन उस इमारत का जो मालिक था, जो उस घर का मालिक था, उसने समय रहते बच्चों को वहां से निकाला नहीं, अपने परिजनों को उसने निकाल लिया और बच्चों को उसने फिर भेज दिया कि तुम जाओ शिवलिंग वहां से उठा कर लेकर आओ। शिवलिंग उठाकर आया वापस या ना आया ये नहीं पता, शिव तो बैठे होंगे कैलाश में, लेकिन आज शाहपुर में मातम है, शोक है। बात शिव की नहीं हो रही है, पूरा इलाका गमगीन है। एक बाप कह रहा है कि शाहपुर खत्म हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है। सागर हादसे पर सीएम ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है, तो वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना भी साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।